मुस्लिम भाषा नाही, उर्दू ही एक भाषा आहे। आणि दुसरी गोष्ट, माझ्या विधानसभेचा एक मिनिट ये मागणी आपने करनी चाहिए थी, आपने करनी चाहिए थी, जो एक हिंदू महिला कर रही है। आप अभी चुप बैठो और मेरा जवाब सुनो। आप चुप बैठो और जवाब सुनो, क्योंकि आप वहां पे नगर सेवक हो, लेकिन आपने कभी मांग नहीं की है माझा मतदार संघ। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम। देखा गया है कि पिछले टाइम फडणवीस सरकार ने ही जो है यहाँ के जो जब आमदार हुआ करते थे वारिस पठान, उन्होंने 50 करोड़ रुपया अलॉट किया था उर्दू भवन के लिए, और उसी के विरोध में आप आज भी उतरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, फडणवीस सरकार के विरोध उतरे ना। आज फडणवीस साहब ही उप मुख्यमंत्री है, वहाँ से हमको ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। हमको इतना ही कहना है कि उर्दू भवन बनाइए ना, हम किधर मना कर रहे हैं। हम इतना ही बोल रहे हैं, जो ITI की जगह है उधर ITI की बिल्डिंग खड़े होने दीजिए। आपको उर्दू भवन के लिए 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए। मोदी जी हमारे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। हम कभी किसको कुछ विरोध कर रहे हैं क्या? मगर जिसकी जो हक का है उसने उधर बनाया, हमको इतना ही बोलना है। सबका अपना अपना जरिया है, बढ़िया है। हर कुल्हड़ में छोटा मोटा दरिया है, बढ़िया है। मुंबई टाइम्स की रिपोर्ट, आसिफ अंसारी की स्पेशल रिपोर्ट। विधान भवन से लेकर भाईकल्ला की सड़क तक इन दिनों उर्दू भवन का चर्चा जोरों पर चल रहा है। उर्दू भवन की बात 2018 से शुरू हुई, जब भाईकल्ला के विधायक वारिस पठान ने उर्दू भवन के लिए उस वक्त के CM देवेंद्र फडणवीस को मेमोरेंडम दिया। CM साहब ने भी उर्दू भवन के लिए 50 करोड़ की निधि पास की, लेकिन वारिस पठान को भाईकल्ला में उर्दू भवन के लिए जगह नहीं मिली। अब आगे बढ़ती है बात 2021। इस बार की विधायक यामिनी जाधव और यशवंत जाधव के पास सोशल वर्कर फिरोज खान द्वारा सामने प्रपोजल रखा गया। फिर क्या था, यशवंत जाधव ने स्टैंडिंग कमेटी में उर्दू लर्निंग सेंटर के नाम से प्रपोजल 13 करोड़ में पास किया। मीटिंग में कांग्रेस, BJP, NCP, समाजवादी, NNS, शिवसेना, हर पार्टी के नगर सेवक मौजूद थे। आने वाला साल चुनावी साल है, और फिरका परस पार्टी बात उर्दू की है तो इसमें मुद्दा कहाँ छोड़ने वाले हैं। वो नेता भी इस मुद्दे में कूद पड़ेंगे जिनका दूर दूर तक भाईकल्ला विधानसभा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी सियासी रोटी जमाने में लगे। और लगे भी ऐसे कि विधानसभा में भाईकल्ला की महिला विधायक यामिनी जाधव के साथ तू मैं में तक गौबत आ गई। फिर क्या था, वही हुआ जो सरकार करती है। उर्दू लर्निंग सेंटर के ठेकेदार को स्टॉप वर्क की नोटिस दे दिया गया। अब वही हुआ जो नहीं होना था। सारी पार्टी इस मुद्दे को छोड़ उर्दू भवन निर्माण पर रोक पर अपनी सियासी रोटी जमाने में लग गई। वैसे वारिस पठान साहब, आपने 2018 में 50 करोड़ का फंड पास कराया था, आज 2023 खत्म पर है, वो फंड कहाँ रुकता है? आपका फंड तो लिप्स भी हो गया होगा। आप उर्दू लर्निंग सेंटर के सहारे अपनी सियासी जमीन तैयार करने का अच्छा प्रयास ढूंढ रहे हैं। दूसरी ओर भिवंडी, मालबार हिल, मुलुंड, सिंधी दीर्घ के नेताओं को भी समझना चाहिए, कहीं उर्दू लर्निंग सेंटर से उनकी जमीन न खसक जाए। इसलिए आप अपना ही विधानसभा पर ध्यान दीजिए, आने वाला साल चुनावी साल है।